हॅलो चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग टुडे आई एम गोईंग टू टीच यू इंग्लिश एपल सब्जेक्ट युनिट टेन द सुप्रिमो शोलगीन द सुप्रीमो, मन नंबर क्वेश्चन ती आहे रीड द लाइन्स ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन आपको ये पोएम दी है उसको रीड करके उसके क्वेश्चन आंसर दिए है वो लिखने हैं वैन द ग्रेट सन वेन द ग्रेट सन कम्स अप एट्रॉन कम्स अप एट्रॉन ही इज द किंग ऑफ द स्काई He is the king of the sky. He said to the stars. He said to the stars. Get out of my sight. Get out of my sight. Be gone and the moon. Be gone and the moon. Turns perfectly white. ड्रफेक्टली वाइट इन दावरफुल लाइट इन द पावरफुल लाइट इसने आपको दिया है के वेन द ग्रेट सन जब महान सूर्यपुर में आता है सुबह में आता है कम अप एट ड्रॉन तो वह आकाश का राजा होता है ही इज द किंग ऑफ द स्काई वह आकाश का राजा होता है कि वो सुबह में जब आता है तो वो आकाश का राजा होता है ही शे टू सितारों से कहता है गेट आउट ऑफ माई साइट के मेरी नजरों से दूर हो जाओ ओशल जाओ के जाओ बेगो बेगोन एंड द मून जाओ चले जाओ और चांद मून टर्न परफेक्टली वाइट इन द पावरफुल लाइट चले जाओ पूरी तरफ से सफेद हो जाते हैं और शक्तिशाली प्रकाश पे पहना जाता है अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछे कुछ है कि हु इज द किंग ऑफ द स्काई इन द पोय के कविता में आकाश का राजा कौन है आपको जो पोयम दी है उसमें आकाश का राजा किसो का, किसके कहा है तो द सन इज द किंग ऑफ द स्काई इन द पोय तो सन को सूर्य को आकाश का राजा कहा हुआ है टू नंबर Whom does he order to go away? Whom does he order to go away? वह किसे जाने का आदेश देता है तो he ordered the moon and the star to do away. वह मून यानी चंद्र और तारे को जाने के लिए कहता है थ्री नंबर राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द लाइन्स जो आपको पोयम दी है उसके राइमिंग वर्ड्स यानी एक जैसे तुर्की वाले शब्द को लिखने हैं शाइट वाइट और लाइट शाइट वाइट और लाइट क्वेश्चन नंबर फोर राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स गिवन वन नंबर द सन इज कॉल्ड द कालजेग ऑफ द स्काई तो सूर्य है वो आकाश का क्या है किंग है सुप्रीमो है रूलर है कि लाइट है तो किंग यानी राजा है तो सूर्य आकाश का रा, राजा कहा जाता है टू तो नंबर द मून टर्न वाइट इन द सन लाइट के चांद वो सूरज की रोशनी में कैसा बन जाता है सनलाइट की रोशनी में कैसा बन जाता है लाइट ब्राइट व्हाइट और ब्लू तो व्हाइट बन जाता है चांद है वो मून है वो सूरज की रोशनी में सफेद बन जाता है वाइट बन जाता है पैराग्राफ नंबर टू की पोएम दी यानी पैराग्राफ टू दिया है देन ही क्लीम्स द स्काई टू द हाइट ऑफ नून एंड सीट ऑन ही ट्रॉन

वो क्या होता है कि वो सुबह में फिर आकाश पर चढ़ता है उसके सिंहासन पर बैठता बैठता है ब्राइट डेन ब्राइट उज्जवल से उज्जवल एंड अलोन अकेला और वो शासन करता है बी वन नंबर लिखा है क्वेश्चन सी है उसमें से अपने को आंसर्स देने हैं वन नंबर क्वेश्चन पूछा है एट दैट टाइम ऑफ द डे he सीट ऑन his throne? के वह दिन में किस समय सिंहासन पर बैठता है दिन में किस समय हाई ऊपर सिंहासन पर बैठता है तो नून में तो ही सीट ऑन द थ्रोन नून वो नी नून के अंदर दोपहर में यानी दोपहर को वो अपने सिंहासन पर बैठता है टू नंबर राइट राइमिंग वर्ड्स ऑफ द लाइन्स थ्रॉन अलॉन थ्रॉन और अलॉन वो राइमिंग एक जैसे तुर्की शब्द है थ्री नंबर राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन दॉक्स इवन द सन रैन खाली जगह ज्वाइंटली अलॉन इन द स्काई ऑन द अर्थ के आपको इसमें दिया है द सन रैन अलोन के सूर्य अकेले आकाश में शासन करता है सूर्य अकेला आकाश में शासन करता है टू नंबर द सन सीट ऑन द ट्रॉन के वो सन सीट कब बैठता है वो सूर्य सिंहासन पर कब बैठता है तो एट नून यानी दोपहर में इन द मॉर्निंग दिया है इन द इवनिंग इथ नाइट एट नून लिखा है तो दोपहर के अंदर सन जो सूर्य है वो सिंहासन पर बैठता है अभी नंबर है बट वैन ही बट वैन ही डिसेंड बट वैन ही डिस के लेकिन जब वह उतरता है ही इन द आफ्टरनून दोपहर में तो ही द दैडो ग्रो लॉन्ग छाया बढ़ती है एंड ही पावर ब्रिगिन ही एंड ही पावर ब्रिगिन छाया बढ़ती है लंबा और शक्ति घटक लगती है एंड टू इबिप एंड वैन टू इबिप एंड वैन के इसमें आपको दिया है लेकिन जब वह उतरता है दोपहर में छाया बढ़ती है लंबा और शक्ति घटक में लगती है अभी राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन वन नंबर इन द आफ्टरनून द शेडो के इन द आफ्टरनून इन द शेडो आपको इसमें दिया है डिसेंट दिस, एसेंड ग्रो लोंग ग्रो शॉर्ट तो इन द आफ्टरनून द शेडो जो उसकी छाव होती है दोपहर में तो वो कैसे दिखाई देती है ग्रो लोंग एंड दोपहर में परछाई लंबी दिखाई देती है सी नंबर आएगा टू नंबर इन द आफ्टरनून द पावर ऑफ द सन इन द आफ्टरनून द पावर ऑफ द सन बिगिन टू एंड वैन यानी ये दोपहर में सूर्य शक्ति से सूर्य की शक्ति है वो की शुरुआत आरंभ हो जाता है द सन डिसेंड इन द आफ्टरनून एसेंट डी आई डिशन डी आई साइन और फॉल डी आई तो दिन डिस इन द आफ्टरनून के सूरज दोपहर में उतरता है के उसका डिसेंड यानी नीचे उतरना रहता है डिसेंड का मीनिंग होता है के नीचे उतरना तो आफ्टरनून में सूरज नीचे उतरता है Or number and when he goes down in his kingly way at the end of the day, he ceases to rain the darkness falls. स्टार कम आउट एंड नाइट returns टू द वर्ल्ड अगेन के और जब वह दिन में अंत में अपने राजस्व तरीके से नीचे जाता है वह भरोसा करता बंद कर देता है वो भरोसा करना बंद कर देता है अंधेरा हो जाता है डार्कनेस फॉल के अंधेरा हो जाता है एस का मीनिंग होता है बंद कर देना के ही सीस टू रैन वो भरोसा करना बंद कर देता है अंधेरा हो डार्कनेस फॉल्स यानी अंधेरा हो जाता है स्टार कम आउट तारे निकलते हैं एंड नाइट रिटर्न्स और रात फिर से दुनिया में दिखाई देती है क्वेश्चन आंसर पूछे वैन डज सीज टू रेन वह कब शासन करता बंद कर देता है तो सूरज है वो शासन करना कब बंद कर देता है तो ही सीज टू रेन एट द एंड ऑफ द डे डेंट के दिन के अंत में वो अपना शासन करना बंद कर देता है वॉट हैपन वेन द सन गोइस डाउन वेपन वेन द सन गोइस डाउन जब सूर्यज अस्त हो जाता है तो क्या होता है अस्त हो जाता है सूरज तो क्या होता है हैपन तो वेन द सन गोइस डाउन द स्टार कम आउट एंड द नाइट रिटर्न अगेन जब भी सूर्य अस्त हो जाता है तो स्टार दिखाई देते हैं कम आउट एंड नाइट आ जाती है रिटर्न आ जाती है अगेंस्ट राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द लाइन के राइमिंग अपने को फोन नंबर राइट द करेक्ट ऑप्शन एबीसी बॉक्स वन नंबर सन गोइ डाउन इन द एपर वे ग्रेट वे किंगली वे और ब्रेव वे तो दर्शन वॉइस डाउन इन द किंगली वे इसमें आपको दिया है सूरज ढल जाता है राजश्री तरीके से टू नंबर दर्शन दर्शन सीस टू रैन केस दर्शन सीस टू एंड एट द एंड ऑफ द नाइट रात के अंत में सूरज रात को राज करता बंद हो जाता है रात के अंत में सूरज रात में राज करता बंद हो जाता है देन डार्कनेस फॉल्स द जगया कम आउट जब अंधेरा हो जाता है तो क्या निकल आता है बर्ड्स एनिमल्स चिल्ड्रन के स्टार्स जो स्टार्स जब अंधेरा हो जाता है तो स्टार निकल सितारे निकल आते हैं स्टार निकल आते हैं कि वैन डार्कनेस फॉल्स द स्टार्स कम आउट पूर्ण में वैन डार्कनेस फॉल्स द रिटर्न जब अंधेरा जाए तो रात क्या लौट आती है तो नाइट यानी रात लौट आती है आपको डे दिया है नाइट सन और मून तो दैन डार्कनेस फॉर द नाइट रिटर्न जब बंदेरा होता है तो रात लौट आती है फाइव नंबर का पैराग्राफ दिया है आई सी द In the night, I see the star in the night. When will they come and be our light? When will they come and be our light? Show us the way to a better life. Show us the way to a better life. Show us how to live our lives. शो अस हाउ टू लिव अवर लिवस आई सी दुझे तारे दिखाई देते है इन द नाइट के रात में मुझे तारे दिखाई देते है वेन विल द कम एन बी अवर लाइट वेकअप आएगा और हमारा प्रकाश शो अस द वे टू ए बेटर लाइफ वे कब आएगा हमारा हमारे प्रकाश जीवन के लिए रास्ता दिखाएगा टू ए बेटर लाइफ हमारे जीवन जीने के लिए शो इज शो और लिव टू लिव के रात में मुझे तारे दिखाई देते है वे कब आएगा हमारे प्रकाश जीवन के लिए रास्ता दिखाएंगे हमारा जीवन जी जीने के लिए अभी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डज द पोइट सी इन द नाइट वॉट डज द पोइ सी इन द नाइट तो कवि रात में क्या देखता है द पोई सी स्टार एंड इन द नाइट तो, तो कवि रात में सितारे देखता है टू नंबर वट विल द स्टार शो ऑश वॉट विश तारे हमें क्या दिखाएंगे द स्टार विल अस द वे टू बेटर लाइफ एंड शो टू लिव अवर लिव तो तारे हमको हमारे जीवन जीने के लिए बेटर लाइफ सिखाएंगे अभी राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द लाइन्स आपको इसमें से राइमिंग वर्ड्स को लिखना है नाइट लाइट नाइट और लाइट फिर इसमें आपको दिया है फोर नंबर राइट द करेक्ट ऑप्शन दिए एबीसी और डी गिवन बिलो इसमें से आपको आंसर चूज करके लिखना है राइट द करेक्ट ऑप्शन एबीसी इन द बॉक्स नंबर स्टार विर स्टार विर गाइड लाइट लीडर्स और ब्राइटनेस ब्राइटनेस तो द स्टार विल बी अवर ब्राइटनेस के स्टार हमें एक उज्ज्वल जला दिखाता है स्टार विल शो अस द वे टू ए बेटर लाइफ स्टार हमें जीवन जीने के लिए सिखाता है स्टार हमें जीवन जीने के लिए सिखाता है स्टार विल शो अ शो हो हाउ टू लिव लिव अवर लिवस इस हमें जीने का रास्ता दिखाता है बेटर लाइफ के लिए स्टार और हाउ टू लिव ओवर लिवस समझ गए ओके